सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी विद सॉल्यूशंस। और आज हम देखने वाले हैं संस्कृत में जो आता है संख्यावाचक, क्रमवाचक और अवृत्तिवाचक। तो ये पूरा हम आज वन शॉट वीडियो में देखने वाले हैं। ये पूरा हमें आता है 3 से 4 मार्क के लिए, तो ये पूरा वीडियो देख लेना है जिससे कि आपके 3 से 4 मार्क कवर हो जाए, ठीक है। और इस वीडियो का एम है 1000 सब्सक्राइबर्स, तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स आज हो गए तो संस्कृत से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियोस इस चैनल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे संख्या रूपानी। अब देखो गाइज, आपको संख्यावाचक, ठीक है, ये वाला तो संख्यावाचक है, संख्यावाचक, क्रमवाचक और अवरुत्तिवाचक। अगर आपको लगता है कि आपको आना चाहिए, तो मैं जो आपको टेबल्स दे रही हूँ, ये जो हैंड रिटन नोट्स दे रही हूँ मैं आपको, वो आपको स्क्रीनशॉट निकाल लेने हैं, अपने नोटबुक में लिख लेने हैं और उसके बाद उसे लर्न कर लेना है। ये लर्न होने के बाद, ये देखो गाइज, इसमें कोई ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं होती संस्कृत में, आपको पता होगा, ये आपको लर्न करना ही होगा। तो आप ये टेबल्स लर्न कर लोगे तो आपके संख्या रूपानी, कर्म रूपानी एंड बाकी का जो वारम वाला है वो आ जाएगा, ठीक है। मैं इसमें इजी टिप्स तो बता ही दूंगी कि कैसे इजीली लर्न होते हैं, पर मैं जो बोल रही हूँ कि आपको लर्न करना होगा, तो वो तो भाई कोई टीचर भी आपको नहीं सिखा सकता। कितना भी स्कॉलर टीचर, कितनी भी पीएचडी उसने कर ली हो, वो आपको डायरेक्टली ये दिमाग में नहीं बैठा सकता, आखिर आपको ये बाय हार्ट करने ही होंगे, ठीक है। तो पहले देखो संख्या रूपानी के देखते हैं, 3 हिस्से होते हैं। तो पहला हम देखेंगे संख्या रूपानी। संख्या रूपानी का एक का टेबल कैसा होता है? पहला होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग, और यहाँ पे हमने विभक्ति दिया। तो विभक्ति कैसे होती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है, ये हमारी विभक्ति है, ठीक है। और एक वचन में है सब, तो हम क्या बोलेंगे टेबल में? एक, एका, एकम, प्रथमा, एकम, एकाम, एकम, द्वितीया, एकेन एकया, एकेन तृतीया, एकस्मै एकस्यै, एकस्मै तृतीया, एकस्मात् एकस्याः, एकस्मात् पंचमी, एकस्य एकस्य एकस्यः षष्ठी, एकस्मिन् एकस्मान्, एकस्मिन् सप्तमी, ठीक है। तो टेबल लर्न करने को तो बहुत ही ज्यादा इजी है गाइस। देखो, एक एका एकम प्रथमा, एकम एकाम, एकम द्वितीय। आप थोड़ा एक टेबल टेबल अगर आपने 5-5 टाइम्स भी बोल लिया ना गाइस, तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो बस बार 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 रीसेट करते रहिए। देखिए मेरे साथ रीसेट कर कीजिए, मेरे बाद रीसेट कीजिए। एक एकाम एकम प्रथमा, एकम एकाम एकम द्वितीय, एकेन एकया, एकेन तृतीया, एकस्मै एकस्यै, एकस्मै चतुर्थी, एकस्मात् एकस्याः, एकस्मात् पंचमी, एकस्य 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 षष्ठी, एकस्मिन एकस्मान, एकस्मिन सप्तमी, ठीक है। तो ये टेबल जब आप 5 टाइम्स रीड कर लोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस ये टेबल ज्यादा कहीं पे मिलते नहीं है, तो मैंने वो आपके लिए लाए हैं निकाल के, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप भी अपने बुक में लिख लो और लर्न कर लो। नेक्स्ट हम द्वितीय के टेबल के पास बढ़ते। हमारा प्रथमा का टेबल अभी हो गया, अब हम द्वितीय के पास बढ़ते। द्वितीय में भी वही आएगा, प्रथमा, सॉरी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और विभक्ति वाला, ठीक है। विभक्ति में वापस आएगा हमारा षष्ठी तक, इसमें सप्तमी नहीं होता है, ठीक है। और चलो अब द्वितीय का टेबल पढ़ते हैं। द्वितीय का टेबल देखो कैसे है। वौ द्वे द्वे प्रथमा, द्वौ द्वे द्वे द्वितीय, दो लाइंस तो सेम है, ठीक है। द्वाभ्याम 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 तृतीय, द्वाभ्याम 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 चतुर्थी, फिर से दो लाइंस सेम है, सबसे ज्यादा इजी। द्वयोः 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 पंचमी, द्वयोः 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 षष्ठी। अब आप बोलोगे दीदी ये इजी लग रहा है, पर कैसे? तो देखो यार, इजी तो है, क्योंकि प्रथमा में जो है वही द्वितीय में है, तृतीय में जो है वही चतुर्थी में है, पंचमी में जो है वही षष्ठी में, ठीक है। तो देखो, द्वौ द्वे द्वे प्रथमा, द्वौ द्वे द्वे द्वितीय, हो गया सेम। द्वाभ्याम 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 तृतीय, द्वाभ्याम 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 चतुर्थी, हो गया 4 लाइन लंब। द्वयो 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 पंचमी, द्वयो 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 षष्ठी। देखो है कि नहीं इजी, है कि नहीं इजी। जब आप इस टेबल में कोई ना कोई ट्रिक निकाल लोगे कि भाई मुझे ऐसा याद रखना है, खुद के मन से कोई ना कोई टिप्स निकाल लोगे कि भाई देख ऐसा करके तू इजीली याद रख सकता है, ठीक है, तो आपके टेबल्स बहुत इजीली याद हो जाने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कहा कि दो दो सेम है, ठीक है, तो इससे आपको कुछ ना कुछ लिंक लग जाएगी और आपका लर्न हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं तृतीय के टेबल के पास। तृतीय में भी वही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और विभक्ति हमारी आएगी षष्ठी तक, ठीक है। तो देखो, त्रय तीसर त्रीनी प्रथमा, त्रीन तीसर त्रीनी द्वितीय, त्रिभ्य त्रिश्रुभि तिभ्रि तृतीय, त्रिभ्य तिश्रुभ्य तिभ्य चतुर्थी, त्रिभ्य तिश्रुभ्य तिभ्य पंचमी,
त्रयनाम त्रिशूनाम त्रयनाम षष्टि। अब देखो, मैं आप बोलोगे कि दीदी आप तो सिर्फ रीड करा के दे रहे हो, तो यार मैं टेबल्स में आपको कुछ समझा सकती हूँ क्या? आप ही बोलिए, आपके स्कूल के टीचर्स ने समझाया है, ट्यूशन के टीचर्स ने समझाया, कोई भी टीचर नहीं समझा सकता गाइस। बस इतना है कि जो ये जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, आपको प्रोनाउंस नहीं करते आता है संस्कृत के वर्ड्स, और इसकी वजह से आपके एग्जाम में ना बहुत गलतियां हो जाती है। ठीक है, एग्जाम में क्या हो जाती है, आपकी गलतियां हो जाती है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको बहुत ही ईजी तरीके से प्रोनाउंस करके दे रही हूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे प्रोनाउंस कर सकते हो और 5 टाइम्स रीड करके इसे रिसाइट करके लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो देखो फिर से पढ़ते हैं। त्रय तीसर त्रीनी प्रथमा, त्रिन तीसर त्रीनी द्वितीया, त्रिभ्य तिसृभ्य त्रिभ्य तृतीया, त्रिभ्य तिसृभ्य त्रिभ्य चतुर्थी, त्रिभ्य तिसृभ्य त्रिभ्य पंचमी, त्रयनाम त्रिशूनाम त्रयनाम तिसृनाम त्रयनाम षष्ठी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। हम बढ़ते हैं अब चतुर्थी के पास। अब आप बोलोगे दीदी इतना सारा लर्न करना होगा, तो देखो यार 10 तारीख को पेपर है। ठीक है, 10th of March को हमारा पेपर है। आज क्या तारीख है, 8 तारीख है। आज ही आप सब टेबल्स 5 5 बार रीड कर लो, और उसके बाद डायरेक्टली 10th को सुबह रीड करना, 10th को सुबह रीड करना। ठीक है, हो जाएगा, डरो मत। ज्यादा से ज्यादा आप बोलोगे दीदी बहुत सारा है, इतना कैसे होगा, 3 मार्क्स का छोड़ देते हैं। देखो गाइस, हमें 3 मार्क्स भी बोर्ड के पेपर में बहुत ज्यादा होते हैं, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो देखो, आपको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा लर्न करने के लिए। ठीक है, हाफ आवर लगेगा आपको, 1.5 आवर, अदरवाइज सिर्फ हाफ आवर, सिर्फ आधे मिनट, मतलब 30 मिनट आपको लग जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा। तो बस खुद को और संस्कृत को 30 मिनट दीजिए टेबल्स लर्न करने के लिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे चतुर्थी का। देखो, चत्वारः चतस्रः चत्वारिः प्रथमा, चतुरः चतस्रः चत्वारिः द्वितीया, चतुर्भिः 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 चतुर्थी, चतुर्भ्यः 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 पंचमी, चतुर्थी सॉरी, चतुर्भ्यः 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 पंचमी, चतुर्नाम 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 षष्ठी। अब इसमें भी देखो बहुत सारा सेम है, पहले और दूसरे में सिर्फ ये दो सेम है, ये दो सेम है, सिर्फ ये दो अलग अलग है। ठीक है, तृतीय और चतुर्थी, तृतीय पूरी लाइन सेम है, चतुर्थी पूरी लाइन सेम है। ठीक है, मतलब तृतीय में देखो यही बड़े चतुर्भी चतुश्रुभि चतुर्भि, सिर्फ यहाँ पे श्रु लगा है, स्त्री में हमेशा हम क्या लगाते हैं, श्रु लगाते हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देखो चतुर्भ्य चतुर्भ्य, पर यहाँ पे क्या है, चतुर्श्रुभ्य, फिर यहाँ पे चतुर्भ्य चतुर्भ्य, अब स्त्री में क्या आएगा, श्रु आएगा, चतुश्रुभ्य, फिर चतुर्नाम चतुर्नाम, स्त्री में क्या है, चतुश्रुनाम, श्रु लग गया, स्त्री में श्रु लग गया। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, फिर हम जाएंगे बहुवचन पे। अब देखो, पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी जो होती है, ठीक है, इसमें इसमें जो होता है उसके ऐसे सेपरेट टेबल्स नहीं होते, सिर्फ चतुर्थी तक सेपरेट टेबल्स होते हैं, पंचमी से लेके षष्ठी से लेके सब टेबल्स एक साथ होते हैं, और ये बहुवचन के होते हैं, नित्यम बहुवचन। ठीक है, तो देखो षड, ठीक है, षड अष्टन नवन, मतलब ये 6 का टेबल है, 6 7 का टेबल है, ये 8 का टेबल है, और ये 9th का टेबल है, ऐसा आपको दिया है। षड, षड को हम बोलते हैं प्रथमा, षड क्या, षट। ठीक है, फिर षट षड द्वितीया, फिर षड भी तृतीया, षडभ्य चतुर्थी, षडभ्य पंचमी, षड नाम षष्ठी, षडशु सप्तमी। ठीक है, षड षट षड प्रथमा, षट षड द्वितीया, षड भी तृतीया, षडभ्य चतुर्थी, षडभ्य पंचमी, षट नाम षष्ठी, षटशु सप्तमी। आई होप दिस इज क्लियर। अष्ट प्रथमा, अष्ट द्वितीया, अष्टभि तृतीया, अष्टभ्य चतुर्थी, अष्टभ्य पंचमी, अष्टनाम षष्ठी, अष्टनाम षष्ठी, अष्टसु सप्तमी। अब सप्तमी में हमेशा देखो, आपको और ट्रिक्स बता देती हूँ, सप्तमी में हमेशा सु लगेगा, षष्ठी में हमेशा नाम लगेगा, चतुर्थी पंचमी में हमेशा भ्य लगेगा। ठीक है, तृतीया में भी ही लगेगा, और प्रथमा और द्वितीया तो लर्न हो जाता है इजिली। ठीक है, फिर देखो नव का, नव प्रथमा नवम द्वितीया, नव प्रथमा नव द्वितीया, नव भी तृतीया, नवभ्य चतुर्थी, नवभ्य पंचमी, नव नाम षष्ठी, नव सु सप्तमी। देखो सप्तमी शु लगा है, षष्ठी में नाम लगा है, पंचमी में भ्य लगा है, चतुर्थी में भ्य लगा है, और तृतीया में भी लगा है। तो नव प्रथमा नव द्वितीया, नव भी तृतीया, नवभ्य चतुर्थी, नवभ्य पंचमी, नव नाम षष्ठी, नव सु सप्तमी। अब आप बोलोगे हाँ यार दीदी ये तो बहुत ईजी है, और हम लोग कर दिखाएंगे, और संस्कृत का जो पेपर है उसमें हम क्या करेंगे, संस्कृत के पेपर में हम धमाका मचा के आएंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गए आपके संख्या रूपानी के। ठीक है, संख्या रूपानी के इतने टेबल्स आपको मैंने दिए थे, दीदी ने दिए थे, दीदी ने क्या बोला है, सब टेबल्स कितने कितने बार पढ़ना है, 5 5 बार पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया संख्या रूपानी के। अब आ गए हम कर्मवाचक में।
आप बोलोगे दीदी 3 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत, तो हाँ यार बोर्ड्स में 3 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये तो देखो कर्म संख्या रूपानि की जो थी सिर्फ उसकी जरा ज्यादा टेबल थे, इसके बाद से बहुत ईजी है। तो यहाँ पे देखो क्रमवाचकांक के बहुत ईजी है, प्रथमा प्रथमा प्रथमम, द्वितीय द्वितीया द्वितीयम, तृतीय। अब देखो सबसे पहले तो देखो सबको पहले क्या लगाना है, अह 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 अह, दशा तक क्या लगाना है लास्ट में, अह अह अह, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रथमा द्वितीया तृतीया, फिर चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं, ये जो अपन बोलते हैं एज इट इज अपन स्त्रीलिंग में बोलेंगे। और नपुंसकलिंग में क्या लगाना है सबको लास्ट में, म लगाना है, क्या लगाना है, हलंत म लगाना है। देखो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम, हो गया अलग, ठीक है। ये किसका है, क्रमवाचकानि। स्त्रीलिंग में कैसा रहेगा, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी। दीदी ये भी लर्न हो गया, क्लियर, ठीक है। नपुंसकलिंग में दीदी ने क्या बोला है कि लास्ट में क्या लगाना है, म लगाना है। तो फिर हम देखो हम क्या बोलते हैं, प्रथम प्रथम म, प्रथम द्वितीयम तृतीयम चतुर्थम पंचमम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम। आई होप दिस इज क्लियर। फिर से एक बार रीड करें क्या, 1 मिनट रुक जाओ, चलो फिर से एक बार रीड करते, ठीक है। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम। फिर स्त्रीलिंग में आएगा, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी। नपुंसकलिंग में आएगा, प्रथमम द्वितीयम तृतीयम चतुर्थम पंचमम षष्ठम सप्तमम अष्टम नवमम दशमम। दीदी हमारा लर्न हो गया, हमारा लर्न हो गया, तो वेरी गुड यार। चलो अगले इस पे बढ़ते, अगला ये वारम वाला है। अभी वारम वाला जो है ना गाइस, ये लर्न करने की भी जरूरत नहीं है आपको, बहुत ज्यादा इजी होता है। आपको अगर ब्रैकेट में ऐसा दिया है वन, ठीक है, ये वन दिया, तो आपको अगर बोला है कि क्या है अवृत्ति वाचक है, तो आपको क्या लिखना है, बस एक वारम, क्या लिखना है, बस वारम। जब भी आपको क्वेश्चन में आएगा अवृत्ति वाचक, क्या आएगा, अवृत्ति वाचक, तो आपको कोई भी वर्ड के सामने क्या लगाना है, वारम। कोई भी नाम के सामने क्या लगाना है, वारम। जैसे आपको ये आया एट, तो बोला है अवृत्ति वाचक है, तो आप क्या लिखोगे, अष्ट वारम। इज दिस क्लियर है, देखो एक वारम द्विवारम त्रिवारम चतुर्वारम पंचवारम षटवारम सप्तवारम अष्टवारम नववारम दशवारम। इज दिस क्लियर। अब हम ये एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्टिविटीज के इसमें से आपको समझ जाएगा कि यार आखिर होता कैसे और टेबल्स लर्न करना क्यों जरूरी है। अब देखो सबसे पहली एक्टिविटी क्या है हमारे पास, अवृत्ति वाचक इन। अब आप बोलोगे दीदी ये तो कहीं देखे जैसा है, अरे देखे जैसा क्या है, ये टेक्स्ट बुक में है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक कहीं लाई हूँ मैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक कहीं आता है पेपर में, इसलिए बाहर का नहीं लाई हूँ, समझे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अवृत्ति वाचक। अवृत्ति वाचक यानी कि दीदी ने क्या बोला था कि जब भी अवृत्ति वाचक आएगा हमें क्या यूज करना है, वारम यूज करना है। अब यहाँ पे देखो दो दिया गया है, तो आप क्या लिखोगे, द्वि वारम, ओके। दो दिया गया है तो क्या लिखोगे, द्विवारम। यहाँ पे 5 दिया है तो आप क्या लिखोगे, पंच वारम। यहाँ पे 3 दिया है तो बोलो 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 बोलो, त्री वारम। इज दिस क्लियर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद नीचे का देखो, समूह वाचक वाचकम लिखत, मतलब इसका जो समूह है इसमें जो जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4, इसे हमें अच्छे से लिखना है, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, 1 2, ये 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने पूरे टोटल 7 है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे संख्या वाचकानी, तो देखो सबसे पहले 1 सेकंड रुक, इसके आंसर्स मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने अगले स्लाइड पे अगला क्वेश्चन लिया है, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, कितने बच्चे हैं, ये सब क्या है, बालक है, ठीक है। आप लोगों को नाम तो पता है इनका, बालक बोलते हैं हम संस्कृत में, और कितने बालक है, 4 बालक है। तो हम क्या लिखेंगे, बालक चतुर्भ्यम, चतु चतुष्ट्याम, चतुष्ट्याम, बालक चतुष्टय, मतलब कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे, ठीक है। दीवो को, दिया को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, दीपक कहते हैं, तो पहले तो दीपक लिख दो, कितने दीपक है, 5 है ना, 5 दीपक है ना, तो हम कैसे लिखते हैं, पंचकम, पंचकम, दीपक पंचकम, दीपक पंचकम। फिर अब इन्हें क्या कहते हैं हम संस्कृत में, सोचो सोचो सोचो, वृषम, क्या कहते हैं हम, वृषभ, वृषभ कहते हैं ना, वृषभ कहते हैं, वृषभ द्वयम, दो है ना, तो द्वयम, वृषभ द्वयम। अब ये कितने हैं, 7 है, और क्या है ये, फल है ना, फ्रूट्स है ना ये, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, फल कहते हैं, तो फल सप्तकम, फल। आप बोलोगे दीदी आ गया आ गया आ गया, समझ गया दीदी हमको, समझ गया ना, ये देखो
इधर तो क्या आवृत्तिवाचक बोला था तो दीदी ने बस वारम वारम लगा दिया, ये तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट है दीदी, पेपर में हम ये करके ही आएंगे। उसके बाद समूहवाचक यानी कि जो भी फोटो दिया गया है पहले उसका नाम लिखने का, और जितने भी दिए गए हैं वो लिख देने का, मतलब यहाँ पे बालक है ये सब, तो पहले हमने दीदी बालक लिख दिया, और 1 2 3 4 4 बच्चे है तो हमने शत्रुयाम लिख दिया, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 दिया है तो हमने क्या लिख दिया, दीपक लिख दिया, और 5 दिया है तो हमने पंचकम लिख दिया। इन्हें हम वृषभ कहते हैं, और 2 वृषभ है तो द्वयम लिख दिया। इन्हें हम फल कहते हैं, फल लिख दिया, 7 फल है तो सप्तकम लिख दिया। दीदी हमें समझ गया, समझ गया ना? अगर समझ गया होगा तो चलो एक कमेंट कर दो और लाइक ठोक दो जल्दी से, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्रम संख्या अवृत्ति वाचकानि, ठीक है। मतलब इसमें हमें 3 दिए जाएंगे, अ दिया है, आ दिया है, और अ ई दिया है। तो अ में हमें पहले संख्या वाचकानि लेना है, फिर क्रम वाचकानि, फिर अवृत्ति वाचकानि। अब संख्या वाचकानि मतलब ये जो हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको दिए थे लर्न करने के लिए वो, ठीक है। तो संख्यावाचक यानी देखो, भागवताः व्यासेन डैश 18 पूर्णानि रचितानि। 18 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, अष्टदश, क्या कहते हैं, अष्टदश। अब यहाँ पे देखो भागवत, ठीक है, भागवत क्या है, हमारा मेल वर्ड है, मेल वर्ड है ना, तो अष्टदश मेल वर्ड है ना भागवत, इसलिए। फिर डैश 4 वेदाः वर्तन्ते। अब 4 क्या, वेदा क्या है, वेद वर्ड क्या है, वेद किसका नाम होता है, लड़के का नाम होता है, ठीक है। वेद किसका नाम होता है, लड़के का। तो पुल्लिंग लिखना है, पुल्लिंग में हम फोर्थ को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो, चलो 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 जल्दी आओ, पुल्लिंग में हम एक वचन में कैसे लिखते हैं, चत्वारः। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दीदी, समझ गया ना, चत्वारः, ठीक है, लिख दिया। फिर आप यहाँ पे देखो महिला है और 3 है, अब देखो महिलाहा है क्या, हाँ महिलाहा मतलब 4 5 है, ठीक है। एक से, ये देखो यहाँ पे महिलाहा दिया है यानी कि एक से ज्यादा औरत है, मतलब 2 3 बहुवचन में। तो अब देखो हम पहले तो जाएंगे तृतीया के टेबल पे, तृतीया के टेबल पे जाएंगे, महिला यानी कि स्त्री वचन पे जाएंगे, और एक से ज्यादा है तो हम क्या लेंगे, हम क्या लेंगे, तीसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, फर्स्ट वाला, तो हमने यहाँ पे लिख दिया तीसरा, समझ गया, हाँ दीदी समझ रहा है, हाँ दीदी समझ रहा है, ठीक है, तीसरा लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, भोजने डैश 6 रसेषु मधुरः रसः मम प्रियः। अब 6 को हम क्या कहते हैं, षटसु। यहाँ पे देखो 6 को, ये बहुत इजी था, षट, ठीक है, और यहाँ पे सु लगा है, तो हम 6 में क्या लगाते हैं, दीदी ने हमको बोला था सु लगाते हैं, तो षटसु, ठीक है, षट को ये दे दो यहाँ पे, षटसु, ठीक है। फिर नेक्स्ट भागवत द्वितीयाम अष्टादशे अध्याये, फिर यहाँ पे कितना लिखा है, 78, 78 को हम कैसे लिखते हैं, अष्ट सप्त लिखते हैं ना, श्लोकाहा, श्लोकाहा मतलब एक से ज्यादा है ना, 78 है यानी कि एक से ज्यादा, तो हम क्या लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, अष्ट सप्त, एक रुक, एक मिनट रुक जाओ, अष्ट सप्तति। आप बोलोगे दीदी आप ती क्यों लगाए, अरे यहाँ पे क्या है, संति, यहाँ पे ती है कि नहीं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ती आएगा कि नहीं, ठीक है, अष्ट सप्तति, एक से ज्यादा है ना, यहाँ पे देखो एक से ज्यादा है कि नहीं, 78 यानी कि मोर देन वन, यानी कि बहुवचन में आ गया, मोर देन वन यानी कि बहुवचन में आ गया, ठीक है। तो बहुवचन में हम क्या, पहले पहले तो ये देख लो 78 को क्या कहते हैं, अष्ट सप्त, अष्ट सप्त ये कहते हैं, यहाँ पे ती लगाए, फिर हमने क्या लगा दिया यहाँ पे लास्ट में, ती, अष्ट सप्तति। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्रमवाचकानि पे जाते हैं, क्रमवाचकानि का तो टेबल भी आपको लर्न हो गया था, आप बोलोगे हाँ दीदी हो गया था, पर कौन सा दीदी याद नहीं आ रहा है, तो यारे ये पहले ह लगाते हैं हम, फिर माम, फिर हम जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं, और फिर हम क्या लगाते हैं, म, अरे हाँ दीदी याद आ गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रमवाचकानि कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रमवाचकानि। अब देखो यहाँ पे क्या है, 8 है, और श्री कृष्ण, तो यहाँ पे मेल में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ये देखो श्री कृष्ण देव क्या अपत्यम, यहाँ पे म लगा है, अपत्यम यानी कि बच्चा, फिर यहाँ पे म लगा है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, अष्टम, अष्टम। फिर यहाँ पे देखो पौष मासे संवत्सरस्य 10 मासः 10 मासः, यहाँ पे क्या लगा है लास्ट में, हलंत ये लगा है ना, स्वर लगा है, तो यहाँ पे देखो जो भी लास्ट में लगा होगा वो यहाँ पे लास्ट में लगाना है, यहाँ पे म लास्ट में लगा था, यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे देखो 10 है ना, तो 10 को हम कैसे लिखते हैं, दश, ठीक है, और यहाँ पे 2 लास्ट में लगे तो हमने वो यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, दश,
ठीक है। अब यहाँ पे एक है, उप एक को क्या बोलते हैं हम, एक, ठीक है। और उपग्रह यहाँ पे लास्ट में क्या लगा है, दो डॉट्स, तो हमने यहाँ पे भी क्या लगा दिया, दो डॉट्स। एक का लिखो, अदरवाइज गाइस प्रथम लिखो, कोई भी लिखा तो चल जाएगा, पर प्रथम ही लिखना क्योंकि टेबल में प्रथम दिया है ना, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेवन को हम क्या बोलते हैं, सेवन को हम क्या लिखते हैं, सप्त। यहाँ पे ले है, कुछ तो ऊपर लगा है, तो हम क्या लिखते हैं, सप्तम लिखते हैं ना, क्योंकि देखो भवन है, मम गृहम तले वर्तते, तल तल या क्या कौन सा वर्ड है, तल ये मेल वर्ड है, तो मेल में हम क्या लिखेंगे, सप्तम लिखेंगे। पर यहाँ पे देखो ऊपर एक लाइन कंटिन्यूड हो रही है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे दो डॉट्स थे तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू करे, ठीक है, वैसे यहाँ पे एक लाइन है तो हम ये लाइन भी क्या करेंगे, ऊपर कंटिन्यू करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, सप्तमी, ठीक है। अब दो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो को क्या लिखते हैं हम, द्वितीय, द्वितीय लिखते हैं, द्वितीय लिखते हैं, यहाँ पे भी ऊपर लाइन कंटिन्यूड है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऊपर लाइन कंटिन्यू करेंगे। समझ गया, क्रमवाचक आने में क्या करना है, सिर्फ मेल है फीमेल है या नपुंसकलिंग है वो देखना है आपको, और लास्ट में जो भी लिखा हुआ होगा वो आपको बस क्या करना है, आंसर में कंटिन्यू करना है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। फिर अब अवरुद्धवाचक तो आप लोगों को आता ही है, हाँ दीदी अवरुद्धवाचक आता है, इसके आंसर नहीं भी दे तो चलेंगे, ठीक है। तो ये देखो पहला क्या है, त्रि वारम, ये क्या है, नव वारम, तो यहाँ पे लिख दो नव वारम। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा एक, एक वारम लिख दो, एक वारम। उसके बाद यहाँ पे दो है तो द्विवारम, यहाँ पे फोर है तो चतुर्वारम, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी नाइसली क्लियर टू यू, आई होप कि आप ये टेबल्स लर्न कर लोगे। ये देखो आपको ये टेबल तो बड़ा इजी है, लर्न हो जाएगा, और ये तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और संख्या रूपानि का भी ये टेबल देखो, ये टेबल बहुत ज्यादा इजी है, और द्वितीय प्रथमा का टेबल बहुत ज्यादा इजी है, बस लर्न क्या करने का है आपको, तृतीय और चतुर्थी का टेबल। अब 3 मार्क के लिए दो टेबल तो लर्न करके जाओगे ना गाइस, ठीक है, दो टेबल लर्न करके जाना, एक टेबल पांच पांच टाइम रीड करोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो गया होगा तो कमेंट्स में #DWS लिख देना, यानी कि दीवित सॉल्यूशंस, ठीक है, दीवित सॉल्यूशंस लिख देना। चैनल पे सब्सक्राइब करना भूले ना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले ना, क्योंकि दीदी ने हमें एम क्या दिया है, 1000 सब्सक्राइबर्स का। अगर संस्कृत के और वीडियोस चाहिए तो 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो यार जल्दी से जल्दी, ठीक है। चैनल को बहुत ज्यादा शेयर करना, कमेंट में बताना कि आपको और क्या चाहिए मेरे पास से संस्कृत के रिलेटेड, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।